हम फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसकी हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी थी और हमने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम डिटेल से देखेंगे हर जो फंक्शनल ग्रुप है जो बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, केमिकल लाइफ की जो केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। हमने 6 फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया था, उनमें से हम आज पहले इंशाल्लाह 2 जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शनल ग्रुप क्या है कि एटम ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट डिटरमिन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एसोसिएशन इन विच द कंपाउंड पार्टिसिपेट्स, के एटम का ऐसा ग्रुप जो कि केमिकल रिएक्शन की टाइप को मालूम करता है और एसोसिएशन को मालूम करता है जो कि जिसमें वो कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो मोस्ट फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो इजीली एसोसिएशंस बनाते हैं, जैसे कि आयोनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं विद अदर मॉलिक्यूल्स, और जो पोलर और आयोनिक फंक्शनल ग्रुप्स होती हैं वो हाइड्रोफिलिक होती हैं। दो तरह के कंपाउंड्स हैं, एक है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। तो जो पोलर और आयोनिक फंक्शनल ग्रुप्स होती हैं वो हाइड्रोफिलिक होती हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब भी बताया था कि हाइड्रोफिलिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर लविंग होती हैं, जो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो जो पोलर और आयोनिक फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे बिकॉज दे एसोसिएट स्ट्रॉन्गली विद पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों हाइड्रोफिलिक होती है? क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाती हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप्स खास तौर पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उन फंक्शनल ग्रुप्स के रिजल्ट्स की वजह से हैं जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर एक खास फंक्शनल ग्रुप होता है, लिपिड्स के अंदर भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, प्रोटीन के अंदर भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट एयर केमिकली ये बिहेव करती हैं। अगर इनके फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्लेस कर दिया जाए किसी और फंक्शनल ग्रुप से तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाएंगी और वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। अब क्या बताया गया है कि जब हमें ये पता चल जाए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होगा। फॉर एग्जांपल हमें ये पता चल जाए कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है तो हम ये आइडिया कर सकेंगे कि कार्बोहाइड्रेट केमिकली बिहेव कैसे करते हैं। इसी तरह लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, अगर हमें इनके फंक्शनल ग्रुप्स का पता होगा तो हमें ये भी पता होगा कि वो फंक्शनल ग्रुप्स की क्या क्या खसूसियात हैं और जिस कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अब आगे ये वाला आप मिथाइल ग्रुप वाला छोड़ दें, यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि मिथाइल ग्रुप के अंदर जो ये कैपिटल आर शो किया जाता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अब बाकी जो मॉलिक्यूल का हिस्सा है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी अगर RCH3 लिखा हुआ है तो आर से मुराद यहाँ पर बाकी हाइड्रोकार्बन के जो कार्बन की तादाद है उसको मेंशन करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करेंगे। तो अब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो पहला फंक्शनल ग्रुप है उसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्रीविएटेड एज ROH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पहचान क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर क्या था, R बॉन्डेड विद OH। यहाँ पर OH जो है वो ये मेन पहचान है कि जहाँ OH होगा इसका मतलब है कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी क्या, एक तो आपने स्ट्रक्चर याद रखना है ROH, दूसरा आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। और अभी आपने पोलर मॉलिक्यूल के बारे में एक खूबी पढ़ी है कि वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाती है। और इसका मतलब ये भी है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे या जिस कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो वाटर के अंदर क्या होंगे, मतलब इजीली सॉल्युबल होंगे। तो ये पोलर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। क्यों पोलर है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पोलर का मतलब है जो कि पोलैरिटी शो करते हैं, यानी पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव आइंस शो करते हैं, वो पोलर ग्रुप्स कहलाते हैं।
या पोलर कंपाउंड्स कहलाती हैं। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्यों पोलर ग्रुप है, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव आयन मौजूद है। इफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेसेस वन हाइड्रोजन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल कैन हैव सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड प्रॉपर्टीज। बताया जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, अगर आपने एफएससी में पढ़ी है, ये जो इथेन मीथेन वगैरह हैं ये सब क्या हैं, या इथाइल है मिथाइल है, ये सब हाइड्रोकार्बन है। तो बताया जा रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसका तो फंक्शनल ग्रुप CH3 होता है ना, RCH3। अगर हम उसमें से हाइड्रोजन को एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, ठीक है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें, तो अब वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। पहले वो क्या था, हाइड्रोकार्बन था, लेकिन अब वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, अब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल कैन हैव सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पे इथेन, इथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है CH3। तो CH3 जो है वो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, दैट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। और इथेन क्या है, CH3, ये एक गैस है रूम टेम्परेचर पे। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाए, यानी अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया जाए, तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होगा, तो अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं बल्कि इथाइल अल्कोहल बन चुका है, और या इसको हम इथाइल अल्कोहल को हम एथानोल भी कहते हैं, विच इज फाउंड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस। और आपको पता है कि ये जो अल्कोहल है, ये जो एथानोल है, बेवरेजेस में यूज होता है, तो ये मशरूब में आ जाएगा। एथेनॉल इज समवट कोहेसिव बिकॉज द पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल इंटरैक्ट। क्या बता रहे हैं कि अब जबकि ये एथेनॉल बन चुका है, अल्कोहल बन चुका है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। क्या हो गई इसकी प्रॉपर्टी, कि ये थोड़ा सा कोहेसिव है, और क्योंकि ये इसके पास पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स पे, और वो इंटरैक्ट करता है, इसीलिए ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज और होती हैं रूम टेम्परेचर पे, तो और इसकी रूम टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी अब चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया गया है। जहाँ पर हाइड्रोकार्बन का एच आना था, वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया है। तो ये थी प्रॉपर्टी किसकी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किन कंपाउंड्स में पाया जाता है, तो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दे दी गई है अल्कोहल की। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर अल्कोहल पाया जाता है, ओएच ग्रुप पाया जाता है, जैसे कि अल्कोहल है, एथेनॉल है, ब्यूटानॉल है, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं इनके अंदर। दूसरा हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोनाइल ग्रुप, कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन एटम दैट हैज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड विद एन ऑक्सीजन एटम। यानी हमने इसका क्या पढ़ा था, RCHO, यानी CHO में भी क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड ओ, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और एक तरफ उसने हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कंसिस्ट होता है एक कार्बन एटम पे जो कि डबल बॉन्डेड होता है एक ऑक्सीजन एटम के साथ। दिस डबल बॉन्ड इज पोलर। अब ये भी याद रखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मौजूद है। थस द कार्बोनिल ग्रुप इज हाइड्रोफिलिक। द पोजिशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल डिटरमिन्स द क्लास टू विच द मॉलिक्यूल बिलोंग्स। जिस कंपाउंड के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच होगा वो ये मालूम करेगा, डिटरमिन करेगा कि वो मॉलिक्यूल जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि दो तरह के कंपाउंड बनाता है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। हमने पढ़ा था कि अगर कार्बोनिल ग्रुप कार्बन स्केलेटन के दरमियान में मौजूद होगा तो वो एल्डिहाइड होगा, और अगर वो लास्ट सॉरी वो कीटोन होगा, और अगर वो लास्ट में होगा कार्बन स्केलेटन के बिल्कुल आखिर पे वो कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, तो वो एल्डिहाइड होगा। यहाँ पर ये एल्डिहाइड बताया जा रहा है कि एक एल्डिहाइड हैज अ कार्बोनिल ग्रुप पोजीशन एट द एंड ऑफ द कार्बन स्केलेटन। के एल्डिहाइड जो कंपाउंड होता है उसके पास एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कार्बोनिल ग्रुप कहाँ मौजूद होता है, कार्बन स्केलेटन के लास्ट पे, और उसको एब्रीविएट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको कहते हैं RCHO। जबकि जो एक कीटोन होता है इसके पास एक इंटरनल कार्बोनिल ग्रुप होता है। याद रखना है आपने, मैं बार बार बता रही हूँ कि कार्बोनिल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में मौजूद हो तो वो एल्डिहाइड होगा, और अगर कार्बन स्केलेटन के दरमियान में मौजूद हो तो वो क्या होगा, कीटोन, जैसे यहाँ पे दिखाया गया RCOR। और हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि एल्डिहाइड की एक पहचान ये भी है कि वो कम से कम एक हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है,
और कीटोन की पहचान हमने ये पढ़ी थी कि वो दो तरफ कार्बन से अटैच होता है, यानी यहाँ पर आर और आर का मतलब है कि यहाँ पर मजीद कार्बन अटैच होंगे। अब है नेक्स्ट कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको एब्रिविएट किया जाता है RCOOH से, और आपने ये भी मैंने बताया था कि इससे जो कंपाउंड बनेंगे वो कौन से होंगे, जैसे कि एसिटिक एसिड है, ये कंपाउंड बनेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप की, जैसे इन इट्स नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, और हमने इसकी दो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड। अगर COOH यानी ये फुल फॉर्म है तो ये कौन सी फॉर्म है, नॉन आयोनाइज्ड है, और अगर यहाँ से ये COO नेगेटिव हो जाए और हाइड्रोजन अलग हो जाए, या यानी ये अपना अगर प्रोटॉन रिलीज कर दे तो ये क्या बन जाएगा, RCOO, COO नेगेटिव, तो अब फिर ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इसकी दो फॉर्म है, आयोनाइज फॉर्म एंड नॉन आयोनाइज फॉर्म। आयोनाइज फॉर्म जो है वो कंसिस्ट होती है एक कार्बन एटम पे जो कि ज्वाइंट होता है बाय अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन एटम एंड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू एन अदर ऑक्सीजन, यानी एक तरफ वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है और दूसरे के साथ वो एक सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, और जिसके साथ उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, विच इज इन टर्न बॉन्डेड टू अ हाइड्रोजन एटम, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इन सच क्लोज प्रॉक्सिमिटी स्टेब्लिश एंड एक्सट्रीमली पोलराइज्ड कंडीशन। इस तरह के दो ऑक्सीजन एटम अटैच हैं कार्बन के साथ, ये एक्सट्रीमली पोलराइज्ड कंडीशन शो करते हैं विच कैन काज द हाइड्रोजन एटम टू बी स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एज द हाइड्रोजन आयन, यानी जब इस तरह से ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गली अटैच होंगे कार्बन के साथ तो वो हाइड्रोजन को क्या बना देंगे कि वो पोलराइज हो जाएगा और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके एक प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, एच पॉजिटिव की आयन में जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं वो रिलीज हो जाएगा। द रिजल्टिंग आयोनाइज्ड कार्बोक्सिल ग्रुप हैज वन यूनिट ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, कैसे होगा देखेंगे, ऐसे होगा आर, और ये मेन जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या है कि सी यानी कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड अदर साइड इट इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के साथ उसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और फिर मजीद ये कि ये जो ऑक्सीजन है जिसके जो कि सिंगली बॉन्डेड है उसने मजीद हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कौन सी फॉर्म है, आयोनाइज फॉर्म है। कि कैसे आयोनाइज फॉर्म है कि देखें, जब इसने ये जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये अपना एक प्रोटॉन रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज फॉर्म बन जाएगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप आर वीकली एसिडिक, कमजोर एसिड्स हैं ये, यानी इनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो वीक एसिड्स की प्रॉपर्टीज हैं, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल आयोनाइज इन दिस वे, यानी इसमें जो आयोनाइजेशन होती है वो कम होती है, दिस ग्रुप देयरफॉर एग्जिस्ट इन वन ऑफ टू हाइड्रोफिलिक स्टेट्स, तो ये दो स्टेट्स में पाया जाता है, एक हाइड्रोफिलिक स्टेट में यानी आयनिक या और पोलर। कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, अब साथ में एग्जांपल दे दी गई है आपसे, अगर अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कार्बोक्सिल ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसकी एग्जाम्पल बताएं कि ये किन कंपाउंड में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, कि ये एक वीक एसिड है और ये दो फॉर्म में पाया जाता है, दो ग्रुप्स में पाया जाता है, एक हाइड्रोफिलिक स्टेट में आयनिक या फिर पोलर फॉर्म में, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इसेंशियली कंपोनेंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं किसके, अमाइनो एसिड्स के, जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं उनमें ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, कौन सा, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब आगे अमाइनो ग्रुप जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो सिर्फ आपने वही क्वेश्चन करना है जो टॉपिक से रिलेटेड है, आपने कोई और क्वेश्चन नहीं करना।